मोदी जी तो नंबर एक पे हैं, उनके कंपेरिजन में कोई है ही नहीं है, कोई कंपेरिजन में कोई मोदी में भी है। हर लोगों की अलग अलग राय है, इतने मतदाता हैं, सब एक तरह से हो जाए फिर क्या दिक्कत है। मोदी जी बहुत अच्छे चल रहे हैं और संगमनाथ जीते हुए बैठे हैं, कोई हरा नहीं सकता इसको। अगर अखिलेश सरकार होती जो 400 रुपए कमा के दिहाड़ी जा रहे हैं वो हमारे जेब मना रहता। दिहाड़ी करते हैं, ड्राइवरी भी करते हैं, एक नंबर की सरकार है, एक नंबर की सरकार है। सब जय जयकार उन्हीं कर रहे, क्योंकि हमको सब कुछ मिलता है, मिल रहा है घर, हमको सब कुछ मिला, राशन मिला है, आवास मिला है, हमारा गांव पूरा खुशहाल है उनके। जैसे कुछ लोग आरोप लगाते हैं कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती है, आपको भी लगता है? नहीं, ऐसा गलत है, ऐसा सोचने वाला बोलने वाला गलत है, क्योंकि उन्होंने हर जात हर कौम को एक निगाह से देखा, एक पल्लों पे देखा, वो कहने वाली गलत बात। नमस्ते, मेरा नाम विवेक है। लोकसभा चुनाव की चुनावी यात्रा प्रतापगढ़ पहुँच चुकी है। प्रतापगढ़ का ये रेलवे स्टेशन है और इस टाइम अक्सर लोग चाय पर चुनावी चर्चा भी कर रहे हैं और चाय की चुस्की भी ले रहे हैं, और ख़ास तौर से हर एक वर्ग के लोग यहाँ पर आपको नज़र आ जाएंगे सुबह के वक्त में। बात की जाए तो यहाँ से संगम लाल गुप्ता, जो कि साल 2019 में जीतकर संसद पहुँचे थे, एक बार फिर से वो चुनावी मैदान में है। मोदी ने उन पर भरोसा जताया, उनको टिकट दिया है। और अगर दूसरी तरफ बात की जाए विपक्षी दल सपा कांग्रेस गठबंधन से, तो पटेल बिरादरी के एक नेता को मैदान में उतारा गया है। लोग यहाँ ज़्यादातर मोदी के चेहरे पर वोट करने की तैयारी कर रहे हैं। संगम लाल गुप्ता से थोड़ी सी नाराज़गी लोगों की नज़र आ रही है। अब ऐसे में चाय की दुकान पर सबसे बड़ी चर्चा ये होती है भाई कि क्या माहौल रहने वाला है अपनी लोकसभा का, अपने ज़िले का कैसा हाल है, और अलग अलग लोगों से बातचीत करके बहुत कुछ देखने को मिलता है। तो चलिए बिना कोई देरी किए फटाफट जानते हैं कि आखिरकार प्रतापगढ़ की जो जनता है उसके दिल में क्या कुछ चल रहा है, वो किसकी तरफ है, और क्या वाकई में माहौल मोदी में है। बातचीत की शुरुआत करते हैं जी। क्या नाम है आपका? अरुण कुमार। क्या माहौल है प्रतापगढ़ का अभी, कैसा चल रहा है? वोटर तो जो भी वोट अंदर से देते हैं, कोई खुल के थोड़ी बताता है। नहीं, फिर भी देखने से तो पता चल ही जाता होगा ना कि लहर किसकी। देखने से कोई देखने वाली चीज है क्या? वोटिंग करना कोई देखने वाली चीज है? नहीं देख तो भाई, पता तो चलता ही है कि अब लोगों में माहौल है कि भाई, बाकी तो ऊपर देखना है, टॉप पे संगम लाल क्या करेंगे। संगम लाल तो भाई व्यवस्था तो बनानी मोदी जी को है ना, मोदी जी को व्यवस्था बनानी है, और संगम लाल तो एक प्यादा हैं, तो उसी अनुकूल काम कर रहे हैं। हुआ है 5 साल में विकास, काफ़ी हुआ है, विकास होता ही रहता है, विकास तो एक प्रक्रिया है, चलती रहती है। और क्या क्या हुआ है नया, अगर पूछूं मैं आपसे 5 साल में क्या नया देखा आपने प्रतापगढ़ में? अभी बाईपास आज बन रहा है, कोई भी काम को होने में समय लगता है। समय लगता है जी। कार्यकाल कैसा रहा सांसद जी का? ठीक है कार्य, सांसद जी इसमें क्या अकेले क्या करेंगे, योजना तो सरकार की रहती है ना। मोदी जी का काम कैसा चल रहा है? मोदी जी नंबर एक पे हैं। नंबर एक पे जी है? मोदी जी तो नंबर एक पे हैं। और कोई टेंशन नहीं है, उनके कंपेरिजन में कोई है ही नहीं है, विपक्षी दल भाई के कोई कंपेरिजन में कोई कोई उत्तर प्रदेश भी नहीं संभाल पा रहे, तो पूरे इंडिया को क्या संभाल पाएंगे, ये सोचिए आप। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं विपक्षी दल में कोई ऐसा नेता नहीं है जो यूपी संभाल सके, तो पूरी बात। हाँ, तो उसकी तो बात ही छोड़ दीजिए। अच्छा, माहौल यहाँ ठीक है? माहौल ठीक है, माहौल पहले से है पूरा। मोदी में भी है, हर लोगों की अलग अलग राय है, इतने मतदाता हैं, सब एक तरह से हो जाए फिर क्या दिक्कत है। आपको 10 लाख के करीब मतदाता है, जिसमें महिला पुरुष दोनों वोटर्स की बात होती है। क्या नाम है? हमारा नाम है विष्णु गुप्ता। गुप्ता जी, क्या है? मोदी जी बहुत अच्छे चल रहे हैं और संगम लाल जीते हुए बैठे हैं, कोई हरा नहीं सकता इसको। हाँ, और लिख दिया है आपने? हाँ, हमने लिख दिया पूरा। हाँ, उनका सपोर्ट हम लोग बहुत कर रहे हैं, संगम लाल का। हाँ, क्यों संगम लाल जी का सपोर्ट कर रहे हैं? अरे, वजह से या वैसे? अरे, दोनों को कर रहे हैं ना। हाँ, दोनों का जीते हुए बैठे हैं, समझ लीजिए प्रतापगढ़ में, कोई हरा नहीं सकता उनको, कोई हरा नहीं सकता। लेकिन यहाँ तो सत्ता परिवर्तन होता रहता है हमेशा, वो करने वाले कर रहे हैं, करते रहे हैं। जिसकी मर्जी हो, जो पब्लिक चाहेगी वही होगा। हाँ, पब्लिक क्या चाह रही है? पब्लिक चाह रही है मोदी जी को जिताइए, मोदी जी को। हाँ, कि अगर आएंगे तो विश्व भरोसा है, हम लोग खुद ही देते हैं, हमारे घर में 10-12 वोट हैं, रिश्तेदार हैं, सबको उन्हीं को डलवाते हैं। हाँ, साथ में नंबर लगा देते हैं जाके लाइन से, और हमको ठेले के लिए पैसा भी दिया, 10,000 एक बात दिया, 20,000 एक बात दिया, अब 50,000 देगी, तो यही जीतेगा हमारा नेता। हाँ हाँ, जीता बैठा है। सरकार की जो योजनाएं हैं वो मिल रही हैं आप? ये धुआंधार मिल रही है योजना, इसीलिए इनको हम लोग वोट देंगे, गरीब आदमी। हाँ,
गरीबों के लिए काम हम हो रहे हैं, सहायता बहुत कर रहा है गरीबों के लिए। महंगाई है, महंगाई देखिए है, कंट्रोल वाले बेईमानी कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? कंट्रोल वहाँ से मिल रहा है, 5 किलो वैसे कम दे रहे हैं, 5 किलो वैसे काट रहे हैं, 10 किलो इसकी कार्रवाई की जाए, समझ लिए। मतलब अधिकारियों का यहाँ पर गरीब आदमी मर रहा है, राशन बहुत कम मिल रहा है, इसको कोई देख नहीं रहा है। कांटे में बेईमानी कर रहे हैं तोलने में। हाँ, बहुत 10 किलो कम दे रहे हैं, इसको कोई देखने नहीं जा रहा है। अधिकारी लोग, हमने कई बार कहा, कई जनों से कोई आता ही नहीं देखने, इसकी कार्रवाई करवाइए। लोकल लेवल पे भ्रष्टाचार दबा के। हाँ। और क्या क्या दिक्कतें हैं? बस यही कि ज़्यादा कंट्रोल वाला परेशानी। हम तो अकेले हैं, हमारा पाइप है नहीं, तो हमको तो मिलता ही नहीं है। हम तो होटल पे खाते हैं, 70 रुपये खाना रोज। मोदी जी से इतने खुश नजर आ रहे हैं, हरेक साल से बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं, हाँ बहुत खुश हैं। हमको पैसा मिल रहा है, हम इन्हीं को वोट दिलाते हैं, अपने रिश्तेदारों को जितने पटरवा के। घर वालों को दिलवाएंगे और बाकी जो है घर वालों को भी। 7 बजे से लेकर 5 बजे तक रहते हैं जहाँ वोट पड़ता है। हम लोग देखते हैं, माहौल देखते रहते हैं। हाँ, ये कितना वोट करवा देते हैं आप अपनी तरफ से? अरे जितना पड़ेगा उतना पड़ेगा, अब गिनती थोड़ी कर रहे हैं। हम लोग बाहर रहते हैं ना, बिल्ला तो लगा नहीं रहती हैं, बाहर रहती हैं, जहाँ वोट पड़ता है हम लोग वहाँ बाहर रहती हैं अपने वार्ड में। जैसे हमारे राजू भाई है वार्ड के, हमारे मोहल्ले के। हाँ, बस कंट्रोल की कार्रवाई कराइए, कंट्रोल की, जो कंट्रोल पर राशन कम मिलता है। क्या नाम है? क्या नाम भैया? सुदीप वर्मा। क्या माहौल है अभी? मतलब हम तो यहाँ के रहने वाले ही नहीं है। आप सुल्तानपुर से? सुल्तानपुर का माहौल कैसा है? सुल्तानपुर का ठीक ही है, ठीक ही है। गांधी का है और इंडिया का गठबंधन का? हाँ, मेनका गांधी कर रही है। हाँ, विकास हो रहा है। क्या नाम भाई? उपेंद्र तिवारी। तिवारी भाई, अभी कह रहे हैं कि पैसा दूसरी सरकार में होता तो छीन लिया जाता। हाँ, बिल्कुल सही है। अगर अखिलेश सरकार होती, जो 50 रुपये कमा के दिहाड़ी जा रहे हैं, वो हमारे जेब मना रहता। अच्छा, हाँ कमाए, 400-500 कमा लिए। हाँ, दिहाड़ी करते हैं। अच्छा, ड्राइवरी भी करते हैं। तो टेंशन नहीं रहता? टेंशन नहीं रहता, मोदी सरकार फुल मौज वाली है, एकदम खाओ। हाँ बस। हाँ, अच्छा पहले क्या होता था आप बता रहे? अखिलेश सरकार ज्यादा नहीं, 7 साल पहले की थे। हाँ, दारू पिए रहते थे। हाँ, पैसा लिए रहते थे। हाँ, मार के दो पड़ाका मारते थे और लोग पैसा ले लेते थे। अच्छा, अगर कोतवाली में जाओ अगर रिपोर्ट लिखाने के लिए, तो वहाँ रिपोर्ट नहीं लिखते थे। हाँ, वहाँ चलो भागो भागो भागो। हर रोज की कहानी थी, हरदम की कहानी थी। हाँ, तो ये अखिलेश सरकार में ऐसी चलता था? ऐसा चलता ही था। कितने साल हो गए आखिरी बार पैसा आपके जेब से किसी ने निकाला हो? कई बार निकाल चुके हैं, और क्या बताएं। कितने यहाँ दो हाथ मार के पैसा भी छीन लेते थे अखिलेश सरकार में, अब सरकार में नहीं छीन रहे हैं। ऐसी गुंडई थी? हाँ, ऐसी गुंडई थी, ये थी। तो अभी जो सरकार चल रही योगी जी की और मोदी जी की, सही चल? एक नंबर की सरकार है, एक नंबर की सरकार है। क्या क्या मिल रहा है जो एक नंबर है? हर चीज मिल रहा है हमको, कोई दिक्कत नहीं मोदी सरकार में, कोई दिक्कत नहीं है, न कोई परेशानी है। मतलब सुरक्षा मिल रही है और खाने पीने को भी मिल रहा है। हाँ, हर चीज मिल रहा है, चीज मिल रहा है। हाँ, बाबा की सरकार 100 सोने की है, छोड़ो उधर, 100 सोने की सरकार है बाबा की। हाँ, तो अभी यहाँ के जो सांसद जी हैं, उनका काम कैसा है? सांसद जी काम हम संगम लाल का काम नहीं बता सकते, हम संगम लाल को ऊपर नहीं देंगे, लेकिन हम बीजेपी के नाम पे एक और देंगे। हाँ, मोदी के नाम से देंगे। हाँ हाँ, आइए और लोगों से बात। क्या हाल है चाचा? ठीक है हमारा। क्या नाम है? इधर आ जाइए थोड़ा साइड में। क्या नाम है आपका? चलिए कोई नहीं, बता दीजिए नाम। मोहम्मद इसरार है। क्या माहौल है अभी आपके प्रतापगढ़ में, किसकी लहर है? यहाँ का माहौल तो ठीक है, हमारे गांव यहाँ थाना जठोरा 25 किलोमीटर पड़ता, मैं वहाँ का निवासी, वहाँ के सब जय जयकार उन्हीं कर रहे, क्योंकि हमको सब कुछ मिलता है, मिल रहा है घर मिल रहा है, हमको सब कुछ मिल रहा है, राशन मिला है, आवास मिला है। हाँ, हमारा गांव पूरा खुशहाल है उनके रहने। आपके गांव में आवास कई लोगों को मिला? हाँ, हमारे हर जात को मिला है, ऐसा कोई जात पक्षी वाला कोई बात कोई भावना नहीं है। जैसे कुछ लोग आरोप लगाते हैं कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती है, आपको भी लगता है? नहीं, ऐसा गलत है, ऐसा सोचने वाला बोलने वाला गलत है, क्योंकि उन्होंने हर जात हर कौम को एक निगाह से देखा, एक पल्लों पे देखा, वो कहने वाली गलत बात। क्या करते हैं चाचा आप? हम रिक्शा ड्राइवर, रिक्शा चलाता हूँ। कमाई वमाई ठीक होती है? हाँ, कमाई। जैसे एक भाई बता रहे थे कि अखिलेश सरकार में सब लूट लिया जाता था, वो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा गलत है, वो बोलने वाला कुछ भी बोला करते हैं। कोई पहले की बात बता रहे? नहीं, पहले भी कुछ भी बोला करते हैं लोग, नशे में बोले और ऐसे बोले तो बोलने से नहीं, जो हमको मिल रहा है, जो आँख से दिखता है वो बिकता है, जो आँख से दिख रहा है वो बिक रहा है। और भी लोगों से बातचीत करते हैं। क्या नाम है दोस्त आपका? जितेंद्र नाम है हमारा। आप पढ़ाई करते हैं? जी जी। कौन सी क्लास में, मतलब क्या अभी पढ़ाई चल रही है? अभी तो ग्रेजुएशन चल रहा है। ग्रेजुएशन चल रहा है, कैसी चल रही है मतलब पढ़ाई वढ़ाई? ठीक है चल रही है फिलहाल। कैसा माहौल है शिक्षा का अगर पूछूं सरकार में? शिक्षा का माहौल तो विशेष ठीक है, लेकिन बात यह है कि हर चीज़ में टैक्स लग रहा है।
किताब उताब में। हम तो क्या कहते हैं, सरकार ऐसी हो कि जो शिक्षा जो है निःशुल्क की जाए, जितना ज़्यादा मतलब अभी तो ज़्यादातर फीस जो है बढ़ रहे हैं, इसका हम मतलब सरकार से गुजारिश करेंगे कि पैसा जो है फीस तो माफ़ किया जाए ज़्यादा शिक्षा को थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत। जी 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 जी, बाकी वैसे काम काज सरकार बाकी तो ठीक है फिलहाल। आप प्रतापगढ़ से ही? जी जी, बाकी वैसे सब ठीक है, शिक्षा पे थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत। जी 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 जी, युवा लोग तो परेशान है थोड़े, पेपर लीक और तमाम चीज़, पेपर लीक बहुत पर हम लोग परेशान हैं, क्योंकि शिक्षा के लिए थोड़ा ध्यान देना चाहिए और नौकरी के लिए भी ध्यान देना चाहिए, कितने दिन से नौकरी नहीं मिल रही है। भरोसा इस बार की लाएंगे मोदी को, तो क्या पता कल्याण हो। हाँ देखते हैं फिर क्या होता है। क्या हाल है चाचा जी? बढ़िया चल रहा है सब? हाँ सर। ये रिक्शा कितने साल से चला रहे हैं? चार साल से। बढ़िया चल रहा है? मतलब क्या बढ़िया चल रहा है, बढ़िया दिक्कत हो रही है? हमारी बहुत दिक्कत है, जितने रिक्शा नहीं तो जितने सवारी नहीं उससे ज्यादा रिक्शे हैं। सब कमाना चाह रहा है? सब कमाना चाह रहा है। रोटी तो सभी को चाहिए ना, रोटी तो सभी को चाहिए। क्या माहौल है आपके प्रतापगढ़ में, कौन जीत? प्रतापगढ़ में भैया अखिलेश जीत रहे हैं हमारी तरफ से। आपकी तरफ से अखिलेश जीत रहा है? अखिलेश क्यों जिता रहे हैं, क्या वजह है जो अखिलेश का? नहीं भैया, संगम लाल कुछ किए नहीं है हमारी नज़र में। संगम लाल नहीं किए, खाली रोड बनवा रहे हैं अभी, वो भी पूरा निर्माण नहीं हुआ है और जमीन खरीद लिए हैं उसके बगल में, उनकी जमीन की कीमत हो गई है। मतलब बदलाव चाह रहे हैं यहाँ पर? जी। और देश में क्या बदलाव चाह रहे हैं? देश में तो अगर प्रधानमंत्री रहे केंद्र में तो मोदी रहे। अच्छा, लेकिन यहाँ बदलना चाहिए, यहाँ जो है नाराजगी। जी। अच्छा, और बाकी केंद्र में सरकार का कामकाज ठीक चल रहा है? हाँ हाँ, केंद्र में मोदी सरकार ठीक है। क्या हाल है चाचा जी? ठीक है, बढ़िया है। क्या लग रहा है प्रतापगढ़ किसको जिता रही है? 25 तारीख को भाई मतदान है। अब जेकर सब देखो घुमाऊ दे दे और का करब जोना है, केकर लहर बा, केकर माहौल बन तो भाई, केकर लहर जोना। हम तो भाई मैं तो समझ में नहीं आता केकर लहर बनती है। नहीं, काम हम कैसा हुआ आपके, सांसद जी का काम कैसा है, मोदी जी का काम कैसा है भाई, क्योंकि सरकार उन्हीं की। भाई आटा पिसाने नहीं मोदी जी देता है, गेहूँ चावल नहीं सब देता है, हमका 1,500 रुपया मिल जाए तो ये सब है। पेटो पालत है, पैसों देते हैं। हाँ तो बात ठीक। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ तो जा रहे हैं उनके साथ आप? हाँ हाँ हाँ। कितने लोग हैं परिवार में आपके? हाँ करीब 20-22 आदमी। 20-22 आदमी। इधर उधर जाएंगे या एक ही मत है सबका? भाई नहीं, सबको तो नहीं बता सके, हम दूर पाला उधर ही जाना है। अच्छा, बच्चे उच्चे आपके? हाँ हैं। क्या नाम है? अनिल कुमार। इधर आ जाइए। क्या माहौल है दोस्त अभी आपके? माहौल अभी सब ठीक है। ठीक है, सरकार का जो कामकाज है वो चल रहा है? अच्छा है, अच्छा खुश है। उनके कामकाज से आपके सांसद जी का कामकाज कैसा है? अच्छा है, अच्छा है। और क्या लग रहा है विकास की बात करूं तो 5 साल में क्या विकास हुआ है? बहुत विकास हुआ है। विकास हुआ है? हाँ। और अभी जो योजनाएं सरकार की चल रही है वो धरातल पर पहुँच रही है? घर पहुँच गया है। पहुँच रही है, कोई दिक्कत नहीं है? आपकी बात करते हैं आपस से? सब्जी धंधा करते हैं, कमाई उमाई है? बड़े यहाँ लोग सब चिल्लाते हैं बेरोजगार नहीं है, बेरोजगारी बेरोजगारी, ये सब अफवाह उड़ाते हैं मोदी खराने के लिए। बाकी वैसे ये है कि करने वाला कर रहा है, तमा खा रहा है। सरकार होनी चाहिए प्रधानमंत्री मोदी जैसा, बस आपकी बात, मोदी सरकार। तो आप सब्जी बेचते हैं दोस्त, योजनाओं का लाभ हम मिल रहा है? हाँ, सबको फायदा, इसलिए हम कह रहे हैं। कितने लोग हैं परिवार में आपके? 5। 5 लोग, 5 लोग खुश हैं मोदी जी से सब चीज़? और यहाँ के सांसद जी का हाल कैसा है? अच्छे हैं, अच्छे हैं। आते वाते हैं? हाँ हाँ। भैया कैसे हैं, क्या नाम? मेरा नाम जितेंद्र यादव है। यादव जी, क्या माहौल है आपके इधर? ठीक है, जो भी है ठीक है, जो भी है। कांटेदार लड़ाई एक तरफा है? नहीं, लड़ाई तो कांटेदार ही है। लड़ाई कांटेदार है। क्या सरकार से खुश है जो 10 साल का कार्यकाल है, या बदलाव चाहिए? नहीं खुश है, बदलाव चाहिए, बदलाव जरूरी है। बदलाव जरूरी है, उसके साथ जा रहे हैं। देखिए आने वाला समय बताएगा। अखिलेश राहुल का गठबंधन हुआ है तो कहीं अखिलेश जी के साथ नहीं जा रहे? आने वाला वक्त बताएगा, अभी यहाँ से किसी को डिसाइड नहीं किया जाए। तो ये 10 साल में कुछ काम मतलब कुछ हुआ है हल्का फुल्का भी आपको लगता है कि हाँ ये चीज अच्छा किया है इन्होंने? हुआ तो है, लेकिन जिस तरह होना चाहिए उस तरह नहीं हुआ। जिस तरह होना चाहिए उस तरह। अभी 10 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है मोदी जी का, अगली सरकार बनाने की तैयारी चल रही है, क्या पूर्ण संतुष्टि? पूर्ण संतुष्टि है।
जो चीजें चला रहे हैं योजनाओं से लेकर के इस वन आपका बेटर। अच्छा, कोई ऑप्शन नहीं है, कोई ऑप्शन कोई ऑप्शन नहीं। प्रतापगढ़ बदला है आपका? हाँ बिल्कुल बदला, बदल रहा है, अपेक्षाकृत काफी सुधार, काफी सुधार। ठीक है जी, ये बताइए 10 साल का कामकाज कैसा हुआ है मोदी जी का? 10 साल का कामकाज बहुत अच्छा है, इतना रोड पे ले आए सबको, इतना अच्छा काम किया है 10 साल में। रोड पे ले आए और क्या, बीजेपी सरकार रोड पे ले आई। तो क्या इतनी कैसे कैसे हुआ थोड़ा? हाँ रोड का है, नाम दीपक सिंह है, काम एक ही हुआ है इनके, एक ही काम जिसमें आपका में सिर्फ रोड है और रोड पे आदमी को लाभ ही दिया है। हाँ हाँ, तो रोड पे आपको कैसे मतलब आप समझ नहीं रहे, समझाइए थोड़ा सा कि मतलब बेरोजगारी दी है इन्होंने, बेरोजगारी नंबर एक पे, महंगाई और उसके बाद सारा तो सब धंधा भी एकदम खत्म कर दिया, महंगाई इतनी ज्यादा हो गई, बेरोजगारी जीरो है। क्या करते हैं आप? हम एक जॉब करते हैं। हाँ जॉब से कुछ नहीं है, जॉब करते हैं खुद, देखिए जॉब हम जॉब करते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन जो नई पीढ़ी है उनके लिए तो जॉब चाहिए। आप क्या बात करते हैं, वो तो अपने बेटे को सेट कराने के लिए बहुत परेशान है भाई। हमें काला धन अगर आ जाता तो कितना मिलता? आप 15 लाख देते ना, 15 लाख वो तो दे सकते। आप तो देख आम आदमी बेटे परेशान है, लेकिन अमित शाह बेटा कौन सा सिविल PCS निकाला है, IAS की जो सचिव बना है BCCI का, कौन सा सचिव निकाला IAS का पेपर, उसको क्यों बनाएगा सचिव आप बताइए? एक आम आदमी का लड़का दिन में टहल रहा। चलिए ठीक है, आप लोग तकलीफें हैं परेशानियां हैं, मुझे बताइए विकल्प कौन है मोदी जी के चेहरे पर विपक्षी दल की तरफ से कौन है? जिसको मौका मिलेगा वही विकल्प है, हर ये भी उसी तरह होशियार है भाई, मोदी जी ही चला रहे हैं, मोदी जी अगर इतना दिमाग होता। अच्छा विपक्ष में किस नेता को चाहेंगे कि वो प्रधानमंत्री? यार देखिए अफसर ही चलाती है प्रशासन, कोई विकल्प नहीं है, यहाँ अपना घर नहीं चला सकते हैं, देश चला रहा है प्रधानमंत्री। हाँ ये घर नहीं चला सकते जो बोल रहे हैं। क्या नाम है दोस्त इधर आओ? ब्रिगेन साहू। साहू जी बात बताओ, ये बेचारे दोनों लोग बड़े परेशान हैं, कह रहे हैं सब एकदम खत्म कर दिया, खेल कुछ बचा ही नहीं। कहाँ खत्म कर दिया बताइए, कहाँ देश बचा है, कोई कागज कुछ हो दिखाए? कह रहे काला धन की बात किए थे, 15 लाख 15 लाख इसके कौन लिया है बताओ ना, दिखाओ कागज। 15 लाख रुपए मांग रहे हैं, 15 लाख राशन पा रहे हैं, कई लाख मकान पा गए हैं, 2.5 लाख पा रहे हैं, ये सब विकास नहीं है? पहले पहले यही इलाहाबाद 2.5 घंटे में पहुंचते थे, आज 40 मिनट में पहुंच रहे हैं, 40 मिनट में पहुंच रहे हैं। क्या क्या योजनाएं मिल रही हैं? योजनाओं का कोई लाभ मिल रहा है? कोई लाभ नहीं। अच्छा यार राशन कौन सी अच्छी चीज है, रोजगार जी राशन चाहिए तब भिखारी बना रहे हैं, तो भीख मिल रहा है तरह समझ। 2014 तक पहले IAS PCS थे, सब IAS PCS टहल रहे थे, अधिकारी थे। ये तैयारी वैयारी की है आपने कुछ मतलब पढ़ाई वढ़ाई? अरे यार हम जॉब करते हैं परमानेंट जॉब, हमको जरूरत नहीं जॉब की, लेकिन जो नया पीढ़ी उसके लिए मैं बात कर रहा हूँ, मैं खुद जॉब करता हूँ। नई पीढ़ी की बात कर रहे हैं आप? सरकारी जॉब है, ट्रेन पकड़ना है। कोई भी आएगा पहले वो बताएगा कि मैं 5 साल रेल इंजन उतर गया पटरी के नीचे, हमको रेल चढ़ाना है, अभी हमको बनाने में टाइम लगेगा। तो मोदी जी अब जब हम लोग अपना घर नहीं चला पाएंगे तो मोदी जी हमारा घर थोड़ी चलाने आएंगे। अभी आपको IAS PCS नौकरी चाहिए, IAS PCS क्वालिफाई दिख रहे हैं आपको? आप 50-55 साल कांग्रेस थी और अभी मोदी सिर्फ 10 ही साल। हमको इस सरकार में बहुत संतुष्टि है, बढ़िया संतुष्टि। हाँ क्योंकि हमारी बहन बेटियां ढंग से बाहर निकल पर ले रही हैं, बाकी और घटनाएं वटनाएं नहीं होती? नहीं 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 नहीं, अच्छे अच्छे माफियाओं को तो उन्होंने इनकाउंटर करा दिया। हाँ मैंने सुना था रंगदारी वसूली जाती थी और लोग यहाँ बड़े परेशान भी रहते थे एक समय था जब 2017 पहले। जी हाँ अभी कुछ नहीं है, अभी कुछ नहीं। हाँ क्या हाल है भैया? ठीक है भैया। क्या नाम है आपका? रामू गौड़। रामू जी ये बताइए कि क्या माहौल है अभी प्रतापगढ़ का, कुछ लोग नाराज भी है कुछ लोग खुश भी नजर आ रहे हैं, मिला जुला माहौल यहाँ? सपा का शुरुआत ही चल चुका हुआ है और संगम लाल यहाँ फेल हो चुके हैं। संगम लाल की गाड़ी फेल हो गई है? फेल हो गई। अच्छा। संगम लाल पुराने लीडरों को भाजपा वालों को सपोर्ट नहीं ले रहे हैं, वो केवल हवा मोड़ रहे हैं, हवा में चुनाव नहीं है। अच्छा। हवा में चुनाव नहीं लड़ा जाता, जब तक कार्यकर्ता पुराने सपोर्टर नहीं मिलते तब तक चुनाव की वैल्यू नहीं होती। आप नेताजी से खुश नहीं है, ना खुश नजर आ रहे, लेकिन देश का कार्यकाल कैसा है 10 साल? देश के कार्यकाल मोदी समय ठीक ठाक है, मतलब गड़बड़ नहीं है, वो संभारे हैं पूरे देश को, तब माइनेज कर रहे हैं। तब ये है कि ये उनके चेहरे पे अगर आपको वोट करना होगा तो कर देंगे, यहाँ के नेता पे नहीं करेंगे? नहीं यहाँ तो नहीं करेंगे, यहाँ तो देंगे हम सपा को वोट। हाँ अब दूसरा कोई होता, यही कोई भी जात होता तो मैं उनको भाजपा वोट करता। अच्छा। हाँ
लेकिन क्या ये महलों में रहते हैं क्या अपने घर? महलों में नहीं रहते, अब 5 साल 10 साल हो गया, यहाँ क्या विकास हुआ है? चौराहे भोसड़ी गर्दा उड़ रहे हैं, काम कोई हो नहीं रहा है। काम हमको काम से मतलब है ना, हमको काम से मतलब है, हमको नाम से नहीं मतलब है। क्या माहौल है, क्या है भैया? बस माहौल एकदम बढ़िया। हाँ काम हम हो रहा है कि नहीं? अब काम अभी तो चुनाव चल रहा है। हाँ कल राय नहीं हुआ है, मतलब 10 साल में यहाँ पर जो कांग्रेस टहलने के लिए रायबरेली गए थे, टहले वहाँ चुनाव चल रहा था, रिटर्न वापस आ गए प्रतापगढ़। ठीक है। हाँ जनता का जो भरोसा है, आपका भरोसा है मोदी जी पर या सरकार बदलना चाहेंगे? नहीं, भरोसा तो मोदी गवर्नमेंट पर ही है। जो योजनाएं चल रही हैं और जो पॉलिसी चल रही है नहीं, पॉलिसियां लोग ऐसी हवा हवाई भले दें लेकिन जमीनी बेस पे जो है उनके पास कुछ है नहीं, वो पब्लिक को भ्रमित कर रहे हैं। जी हाँ, और कोई आता भी अगर है तो उस तरीके से जो है कोई कुछ कर नहीं पाएगा, इसलिए पब्लिक के हित में तो अभी भाजपा गवर्नमेंट ही है, क्योंकि वो फुल सत्ता में आएगी तो कुछ करेगी, बाकी लोगों का कोई मतलब नहीं है। अच्छा, लोग बड़े परेशान हैं अभी 10 साल के अंदर ही, और देखो अपनी अपनी सब हर तरीके से लोग बटे हुए हैं, सबके अपने विचार अपने मत हैं, तो अपना मत रखना और अपना जो है विचार अपना वो करना वो एक अलग विषय है, बाकी जमीनी बेस पे जो है हाँ अगर है कोई तो अभी भाजपा के अलावा कोई नहीं है, और उनके अलावा कोई काम भी नहीं कर पाएगा। अगर किसी को मौका भी मिला तो कंफ्यूजन में जो है 5 साल निकल जाएंगे। राहुल अखिलेश पर भरोसा नहीं अभी दोनों की जोड़ी जो नहीं, भरोसा का मतलब उस तरीके से उनका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जो है हिंदुस्तान में, और उस तरीके से वो ऑपरेट नहीं कर पाएंगे। और गठबंधन में अगर 20 लोग 40 लोग 50 लोग इकट्ठे होकर कोई सरकार चलाएंगे तो एक में तो चल नहीं रही 40। सब प्रधानमंत्री बनना चाह रहे हैं? जी हाँ, हर आदमी सरकार बन भी जाएगी तो गद्दी के लिए नहीं, हाँ उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम होगी और उसमें फिर पब्लिक के हित में नहीं रहेगा। हाँ ये तो कंफर्म है, इसमें दो राय नहीं। दोस्त आपका? बंटी सिंह। बंटी भाई क्या लग रहा है माहौल किसका है? मोदी का। वो ऐसे ही हो वैसे ही जीत जाएगी। हा? वैसे ही जीत जाए, काम तो हो रहा है ना। हा? जो काम चाहिए छोटा मोटा काम तो होता ही है। अच्छा, छोटा छोटा मोटा काम, बड़ा काम रुका भी रहता है, होता भी है क्या? हर काम एक बाप अपने 4 बच्चे नहीं संभाल सकता, सबको संतुष्ट नहीं रख सकता, तो वही हिसाब किताब है। बाकी प्रतापगढ़ में कितना बदलाव हुआ है, कैसा माहौल? बहुत बदलाव हुआ है, विकास विकास हुआ है। विकास हुआ है, क्यों नहीं हुआ? सड़क बनी है, सब कुछ बना हुआ है, रोड बन रहा है, सबका काम हो रहा है। छोटा मोटा काम तो सबका होता ही रहता है, नहीं रुक जाएगा किसी काम का? प्रधानमंत्री है वो, प्रधान थोड़ी है गाँव का, एक एक घर पे सबके आएगा।